हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इधर आ जाऊँ, धूप अच्छी सी निकल रही है आज, ठंडक है। पर हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा कुछ सामान भी लेकर आना है अर्जेंट वाला, और साथ ही जो भी चैरिटी शॉप का सामान है वो सारा हम लेकर जा रहे हैं। और माइक्रोवेव जो है वो रिसाइकलिंग सेंटर में हमको डालना है ताकि वो वहाँ पे इसको अच्छे से डिस्पोज कर दें। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी साहब गए हैं लेके एक बॉक्स, माइक्रोवेव भी इधर रखा है तो वो लेके जाएंगे। चलो जी, चलो तो मिलते हैं। धूप फिर से आ गई मेरे मुंह पे, और दिखाते हैं क्या क्या लेने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, विल शेयर विद यू। और मैंने यही वाली ड्रेस पहन ली थी, ये वॉशिंग में जानी थी तो यही पहन के, और फिर इधर से धूप आ रही है, कैमरा के ऊपर क्लियर नहीं दिखाई देता, तो फिर आके इसको वॉशिंग में डाल दूंगी। ये तगड़ा चक्कर हो गया ना कि बाहर जाते सारे कपड़े धुलेंगे, आप भी धुलोगे सारी चीज़ गाड़ी की तरह इधर। चलो जी, मिलते हैं। तो हम लोग आए हैं पहले सेंसबरी। एक्चुअली हमें ना अद्वी के कार्डिगन लेने थे, ना मॉरिसन पे मिल रहा है ना टेस्को पे था अवेलेबल, तो हमें सेंसबरी पे बताया किसी ने कि यहाँ मिलेंगे स्कूल के कार्डिगन, तो हम लोग इधर आए। काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से, बट वी केम हियर, सो वही चेक करेंगे। सेंसबरी का पनीर बड़ा अच्छा है ना, एफटीना वाला, तो वो हम लेंगे। तो चलिए चलते हैं।
शॉपिंग हमारी डन हो गई है. हमें लग रहा था शायद दूसरी शॉप पे हमें जाना पड़ेगा, बट सब कुछ मिल गया. एक दो नेसेसरी चीज़ें थी और पीछे जो है वो कपड़े भी हो गए हैं. घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या क्या लेकर जा रहे हैं. तो हो गया आज का जो बाहर का काम था, अब घर चलते हैं फिर से शावर. हाँ जी शावर. शावर लेना है, फिर लंच बनाना है. अदवी स्कूल में है आज, फिर उसको स्कूल पिक करने जाना है. टाइम हो जाएगा तब तक. तो ऐसे ऐसे दिन चल रहा है और सब कुछ शेयर करते हैं आपके साथ. पहले घर चलते हैं और नहा धो के तैयार हो जाते हैं, देन बाकी का काम. अरहर की दाल बना रहे हैं हम लंच में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अरहर की दाल ली है और उसको भिगो के रख दिया था. तो बस ये ऐड कर देंगे हम और साथ ही डाल देंगे 2 कप पानी इसके अंदर. साथ में जाएगी थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर. सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच डाला है मैंने. और यहाँ पर मैंने जुकीनी काट के रखी है, पील कर लिया उसको. अब इसको हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे. तो एक ही जुकीनी ली है, आप चाहें तो लौकी भी डाल सकते हैं. तो जुकीनी सारी मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर और अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चीज़ें जो है वो उफन के ऊपर ना आए और प्रेशर कुकर हमारा बिल्कुल सही रहे. बिल्कुल थोड़ा सा हम इसको स्टर कर देंगे और अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 5 मिनट के लिए. 5 मिनट में हो जाएगा क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई है और जुकीनी को तो बहुत कम टाइम लगता है. उसके बाद फिर ऊपर से हम इसमें तड़का लगाएंगे. तो दाल में तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी गरम कर लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें करी लीव्स. फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं और इनको हम सॉटे कर लेंगे तब तक राई हमारी अच्छे से क्रैकल ना हो जाए. यहाँ पर ये अच्छे से भुन गए हैं और गैस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और तुरंत के तुरंत इस तड़के को हम ऐड कर देंगे दाल के अंदर. अदरवाइज़ लाल मिर्च जो है वो काली हो जाती है. देखिए कितना सुंदर जो है वो रंग आया है. इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और फ्लेम ऑन करके इसको हम एक बॉयल लगवाएंगे. तो दाल चावल यहाँ पे डन हो गए हैं और बिना लहसुन प्याज टमाटर अदरक के ये इतनी फ्लेवरफुल दाल बनती है ना, सो टेस्टी. और अंडर 15 मिनट आपका डिलीशियस लंच बन के तैयार हो जाता है. जो लोग हमारी तरह सिंपल खाते हैं दाल भात में खुश रहते हैं, उनके लिए बेस्ट है. ओके, सेल्सबरी से क्या लेकर आए खाने का? तो बस 2 ही चीज़ लेकर आए. एक तो ये वाला पनीर लेकर आते हैं वहाँ से, एप्टीना का है ये और ये बिल्कुल ऐसा जैसा आपने घर पे बनाया हो, इसके टेक्सचर से आपको पता लग रहा होगा. तो बड़ा अच्छा रहता है, तो जब भी जाते हैं सेंसबरी तो ये वाला पनीर हम जरूर लाते हैं.
तो दो ब्लॉक लेकर आए हैं, एक ये रखा और साथ ही एक्टिमल लेकर आए हैं अद्वी की। तो खाने पीने का तो बस यही था सामान, ब्रेड है और मफिन है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कुछ बेकिंग नहीं की है, तो बस ये मफिन ले आई थी अद्वी को, एक दे देती हूँ मैं कभी कभी, स्कूल में ना होता है बच्चों को कुछ स्नैक मीठा खाने का मन, तो ये दो चीज़ मैं लेकर आई हूँ। मैंने सैनिटाइज करके रख दी है यहीं पर ही, बाद में इनको कबर्ड में रखूँगी। एक दो जो है वो कपड़े हैं वो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो कपड़े मैं यहाँ टांग के आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने वॉश नहीं किए हैं। तो एक तो ये शर्ट है साहब की और वाइट है, साथ में थ्रेड वर्क है इसमें, ध्यान से देखोगे ना बिल्कुल हल्का हल्का सा थ्रेड वर्क है। और ये सेल में थी, कितनी, 15 pound की थी, 4 pound 50 में मिली हमको, तो अच्छा है कपड़ा, अच्छा प्योर कॉटन है ये वाला। तो ये ली है और साथ ही अद्वी के लिए ये पजामे का सेट लिया है, 3 pajama का सेट है ये, आई थिंक 11 pound का है, हाँ ये 11 pound का मिला है। तो जिन लोगों को इंडियन रुपीस में पता करना है तो 90-92 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो 11 pound की उसकी ये 3 pajamas मिली है। और साइज़ जो है वो मैं 11 साल के बच्चे का लाई हूँ, क्योंकि टचवुड अद्वी जो है वो शी इज़ आफ्टर हर डैड, तो वो थोड़ी सी लंबी है। इसके बाद उसके पास हाफ स्लीव्स की तो थी टी शर्ट, फुल स्लीव्स की सिर्फ 2 बची हुई थी, तो उसकी ये फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट लेकर आई हूँ। तो ये पूरा 4 का सेट है एक साथ, और ये मिली है 13 pound की, ये 13 pound की है और 10 साल के हिसाब से लाई हूँ, ताकि एटलीस्ट पूरी सर्दियाँ आराम से निकल जाएं। तो ये 4 का सेट है इस तरह से, एक में ये स्टार बना हुआ है, ये मेहरून वाली तो प्लेन है, ये लाइन वाली है और ये ग्रे है, तो 2 प्लेन है, 2 डिज़ाइन वाली है। सो दीज वन, और ये है उसके स्कूल के लिए कार्डिगन लेकर आई हूँ मैं, तो ये मैं बिल्कुल फिट लेकर आई हूँ उसके 8 साल के हिसाब से, 7.5 की हो रही है वो, और ये 9 pound के 2 हैं, तो ये सही आएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो हम लेकर आए हैं, दैट्स इट, साहब की और अद्वी की ही है मोस्टली। बढ़िया लगी ना शर्ट, मैं तो एक और कह रही थी, एक ही बहुत है ये मोस्टली जो है ना वो फुल स्लीव्स की पहनता है ना, तो बट ये अच्छी है। खाने लगा दूँ? बस पहले नूडल आऊंगा तभी खाओगे, चलो ठीक है। शाम हो गई है, खाना हमारा हो गया था तब, उसके बाद फिर लाइक अद्वी को लेकर आए, फिर हमारा खाना हुआ और बस अब चाय का टाइम हो रहा है, 5:15 बज रहे हैं और यहाँ पे है अद्वी। पहले बताओ कपड़े कैसे लगे? नाइस, यस, इधर आओ दिखाओ। सो आई विल टेल देम व्हाट दिस इज रियली अबाउट। So, Mom is really good at making a Saraswati, but she used to make it out of mud. But we have clay. So, she passed the tradition on to me. So, then I made a Saraswati. Yes, Advi ne bahut pyara sa clay se Saraswati banayi hai. I made her closed eyes. So, rather, she's a thick. Focus! Yes, now focus. No focus. No focus. Focus. It's not focusing. It's okay, I'll show later. Because we are at the back, na? So, it's not focusing. तो चाय हमारी हो गई है और थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो लगा कि चलो अद्वी के लिए मैं कुकीज़ बना दूं। मैं पहले भी बोलने वाली थी कि आज मैं अद्वी की फेवरेट कुकीज़ बनाऊंगी, तो जिंजर कुकीज़ बना रही हूँ, बहुत सिंपल है बनाने के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1/2 cup बटर लिया है, जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है, बिल्कुल मेल्टेड नहीं चाहिए आपको, बस हल्का सा कि हाँ वो रनी हो, सॉफ्ट हो, सॉफ्ट बटर आपको चाहिए। तो 1/2 cup हमें बटर लेना है और 1/2 cup ही हमको शुगर लेनी है। आप चाहे तो वाइट ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर से जिंजर कुकीज़ में ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है। तो 1/2 cup मैंने ब्राउन शुगर ली है और यहाँ पर मैंने 1 cup लिया है
मैदा, आप चाहे तो होल व्हीट फ्लार भी ले सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। इस बार हमारा जो है वो काफ़ी कोर्स है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसीलिए मैं मैदा ले रही हूँ यहाँ पे, ऑल पर्पस फ्लार। और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है, तो इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दैट्स इट, यही चाहिए आपको। तो इन तीन चीज़ों से आपकी बेसिक कुकीज़ बन जाती हैं। फ्लेवर के लिए अब आपको ऐड करनी होती है चीज़ें, तो फ्लेवर के लिए हम ऐड करने वाले हैं जिंजर, क्योंकि हम जिंजर कुकीज़ बना रहे हैं और आजकल के वेदर, इम्यूनिटी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बेटर है कि आप मैक्सिमम चीज़ों में जिंजर ऐड करें। तो सिर्फ 1/2 टीस्पून हमको, इवन 1/2 से भी थोड़ा सा कम हमको ये जिंजर पाउडर चाहिए, सौंठ पाउडर जो होता है ना, सूखे हुए अदरक का पाउडर, ये वो है, तो वो हम ऐड करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे कंबाइन करनी है और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा स्टिफ हो रहा है, मॉइस्ट डो नहीं बन रहा है, तो आप 1 टेबलस्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं, बाकी मेजरमेंट जो है ये परफेक्ट है। तो ये सॉफ्ट सा बिल्कुल ना इस तरह का डो बना के मैंने तैयार कर लिया है और अवन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 160 डिग्री सेल्सियस पे, और कुकीज़ को हार्डली जो है ना 12 to 15 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। और आप चाहें तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने पिज्ज़ा आपको दिखाया था, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस तरह से बिना अवन के भी आप बेक कर सकते हैं, मैं अवन में करने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हो गया है। अब क्या करना है, इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से आपको बॉल्स लेनी है, और जिस तरह से रोटी की पेड़ी बनाते हैं बस इस तरह से इतनी इतनी पेड़ी बना के, और आप इसको ऐसे ट्रे में लगाते जाओ, तो कोशिश करो कि इक्वल साइज की हो जाए, बट छोटी बड़ी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा बहुत सिनेमन भी डाल सकते हो, इलायची भी डाल सकते हो, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि और एक्स्ट्रा क्या फ्लेवर चाहिए, बट मैं सिर्फ जिंजर वाली ही बना रही हूँ और अच्छी बनती है। सॉरी मेरा हाथ लग गया, और थोड़े से डिस्टेंस पे रखनी है क्योंकि फिर ये फूलती भी हैं। तो चलो मैं ये सारी बना लेती हूँ, फिर हम इनको बेक करते हैं। तो मैंने बेक होने के लिए रख दिया है और टेम्परेचर आप देख लो 160 डिग्री है और दोनों तरफ से हीट जानी चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ वाला ऑप्शन रखा है। और अगेन दिखा देती हूँ, मिडल शेल्फ में आपको रखना है, ऊपर नहीं रखना है। अगर ऊपर रखोगे तो वो जल जाएंगी, नीचे से बेक नहीं होंगी, लाइक अंदर तक अच्छे से बेक नहीं होंगी, तो इनको आपको मिडल शेल्फ में रखना है। और टाइमर लगा ले, 12 मिनट में हो जाती हैं बट एवरी ओवन इज़ डिफरेंट, सो 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो चलिए ये बेक हो जाएं, देन आई विल शो यू। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो कुकीज यहाँ पे बेक हो गई है हमारी, और अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है। इस पॉइंट पर अगर आप इन्हें हल्का सा टच करके देखेंगे ना, तो आपको ये बहुत सॉफ्ट लगेंगी, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जैसे ही ये ठंडी होंगी ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएंगी। तो अभी इनको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये ठंडी हो जाएं, और उसके बाद फिर हम इनको टेस्ट करेंगे।
तो सौगी होंगी थोड़ी सी फिलहाल के टाइम पर, तो डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, इनको थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद ये मस्त क्रंची हो जाएंगी। सो कुकीज आर डन, कितनी टेस्टी बनी है ये, पीछे से देखो इनको। कोई नहीं कहेगा कि आपने ये बाहर से नहीं खरीदी है, किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये होममेड है। सो डिलीशियस, पहले मैं बहुत बेकिंग किया करती थी बट लाइफ ऐसी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा बिजी, नहीं टाइम मिलता। अदरवाइज आई लव बेकिंग, हम बिस्किट रस्क ये चीज़ें बिल्कुल ख़रीद के नहीं लाते थे, सब घर में बनाती थी, नए नए एक्सपेरिमेंट करती थी। हियर द क्रंच, खा लो आप भी, बनाओ यार बनाओ और खाओ, फोटो भेजना मुझे इंस्टाग्राम पे। चलिए, अरे वाह, जिंजर का मस्त टेस्ट आ रहा है इसमें, ओह माय गॉड, आई लव जिंजर कुकीज़। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा होना हिंट अदरक का, ओ माई गॉड आई लव इट, सो परफेक्ट बनी है। अद्वे का तो पता नहीं, मैं तो काफ़ी सारी खाने वाली हूँ, मेरा तो ब्रेकफास्ट अभी नहीं से होने वाला है, लाइक एक कप दूध और दो कुकीज़, आई एम सॉर्टेड। चलिए अब क्या करते हैं, कपड़े धुल गए हैं जो लेकर आए थे अद्वि के, वो मैं फैलाने के लिए जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, और आजकल दिन जो है ना वो लाइक अब अंधेरा जल्दी होने लगा है, हो जाता है 6:30-7 बजे तक अब अंधेरा हो जाता है, पहले 9-10 बजे तक धूप निकली रहती थी, तो दिन जो है वो अब छोटा होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे दिसंबर तक पहुँचते पहुँचते शाम के 4 बजे तक अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत फ्लक्चुएटिंग सा अजीब सा वेदर है यहाँ का। खैर अभी मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम है वो करती हूँ, देन इट विल बी डिनर टाइम, और अगर डिनर तक मैं व्लॉग को लेकर जाऊँगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी सिंपल सी जो है वो सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, आलू गाजर की, थोड़ी सी दाल रखी है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा गया हमारा आज का दिन, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई हैव अनदर चैनल अबाउट ब्यूटी जहाँ पर मैं होम रेमेडीज शेयर करती हूँ, उसका नाम है बी चार्मर, आप चाहें तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, और अगर पसंद आए आपको वहाँ की वीडियोस तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत जल्दी हम वहाँ पर भी एक माइलस्टोन पूरा करने वाले हैं। सो बस अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आज की इजी सी दाल रेसिपी जरूर ट्राई करना, और ये जिंजर कुकीज़ ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपके बच्चों को आपको खुद बहुत पसंद आएंगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवन हो तभी आप ये बना सकते हैं, आप कढ़ाई में भी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ विल यू कैन डू इट, तो जहाँ चाह वहाँ रहा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।